उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा से 24 घंटे मिलेगी बस सेवा। उत्तर प्रदेश में 2065 अतिरिक्त बसें चलेंगी ताकि पर्व में लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें। बता दें, उत्तर प्रदेश में होली के मौके पर लोगों की घर पहुंचने की सुविधा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। होली पर घर जाने के लिए यात्रियों की सहूलियत के लिए यूपी रोडवेज बसों के ट्रिप बढ़ाने जा रहा है। नोएडा डिपो से होली में NCR जाने वाले यात्रियों के लिए 24 घंटे बस सेवा 3 से 12 मार्च तक मौजूद रहेगी। वहीं होली पर यात्रियों की सेवा के साथ सरकारी खजाने में ज्यादा योगदान करने वाले परिचालक और चालकों के लिए नगद प्रोत्साहन योजना का भी लॉन्च किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य डिपो से भी वाहनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। अतिरिक्त 2065 बसों को सड़क पर उतारने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के MD संजय कुमार की ओर से 3 मार्च से पहले इसकी घोषणा की गई है। होली पर यात्रियों की भीड़ बस स्टेशन पर उमड़ने की संभावना को देखते हुए चालक व परिचालक के अवकाश को कैंसिल करने का आदेश 1 सप्ताह पहले लखनऊ से जारी हो गया था। बता दें, नोएडा डिपो के ARM NP सिंह ने बताया कि नोएडा डिपो से 144 बसें होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे चलेंगी। होली पर 20 अतिरिक्त बसों को भी यात्रियों की सहूलियत के लिए लगाया जा रहा है। नोएडा डिपो में 3 मार्च से प्रारंभ होने वाली विशेष सेवा सप्ताह के तहत अनुमानित प्रतिदिन 40,000 यात्री सफर कर सकते हैं। बता दें, आम दिनों में नोएडा डिपो से 30,000 से 32,000 यात्री सफर करते हैं। त्योहार के मौसम में यह आंकड़ा बढ़कर 40,000 तक पहुंच सकता है। इसको लेकर रोडवेज की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। यात्रियों की सुविधाएं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।